के रास्ते में तो ये पहुंचने वाले 10 मिनट में शायद पहुंच जाएंगे। तो हम जा रहे हैं आज मंदिर लादू। गुड मॉर्निंग लादू। तो ये हम हैं, ये हमारी सोसाइटी है और हम जा रहे हैं घूमने। लेट्स गो। पैदल का खदान मेरे साथ चल रहा है ना, मेरे को क्या जरूरत है पैसे। पैसे का खदान। तो हम जा रहे हैं आज मंदिर, मतलब यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है जिदानी देवी जी का मंदिर। तो वहाँ पे हम दो तरीके से जा सकते हैं, नहीं दो नहीं तीन तरीके से जा सकते, रिक्शा, ट्रेन और बस। तो अभी अभी पता चला है मुझे कि रिक्शे का भाड़ा बहुत बढ़ गया है, पहले तो 10 रुपए था, अभी 99 हो गया। अभी यहाँ से हम स्टेशन जाएंगे तो 40 रुपए, एक लोग का 20 रुपए और फिर ट्रेन का 10-10 रुपए लग रहा है। टिकट रिटर्न टिकट 20-20 रुपए हो गया, वो 40 40। फिर वहाँ से रिक्शे से अगर मंदिर जाते तो वो हो गया 20-20 रुपए 40। तो ऐसे अच्छा है तो हम ऐसे बुक करके आते हैं, 90 रुपए में सब हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग को मंदिर के सामने छोड़ेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट वाला है मुझे लग रहा है। तो हम बैठ चुके हैं रिक्शे में, रिक्शा आ चुका है हमारा, अब हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, निकले हैं अभी। अच्छी पड़ेगी सेंटर, सेंट फ्रांसिस में पड़ेगी। तो यहाँ से राइट लेने के बाद मेरा था स्कूल, जहाँ से मैंने 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक यहीं पढ़ा है। यहाँ से मेरा आता है स्कूल, ये सामने बड़ा सा जो दिख रहा है, बड़ा सा नहीं दिख रहा है, मेरा 10th का बोर्ड आया था इस स्कूल में, कंचन स्कूल में। तो हम 9:35 पे बैठे हैं, 9:35 मतलब 9:30 बजे बैठे हैं हम रिक्शे में, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे, कितना टाइम लगता है रिक्शे से हमें। के आगे एक मेरे दोस्त का घर है, मेरे पे रहती है वो प्रीति। यहाँ पे ये 90 फीट रोड है, मतलब ये वाला एरिया जो रोड तो खैर इतना बहुत बड़ा है, चारों तरफ से रास्ता है। तो वो रहा जिदानी देवी मंदिर, पहाड़ पे बसी है माता रानी। तो हम लोग आ गए नाला सुपर सब्रदार, अब हम उस जिदानी मंदिर के रास्ते में वही पहुँचने वाले, 10 मिनट में शायद पहुँच जाएंगे, 5-10 मिनट में। तो यहाँ से एंट्रेंस मतलब स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे इतना डेवलप नहीं है क्योंकि ये पहाड़ों पे बना हुआ है सब कुछ, इसलिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पे। और ये रहा जिदानी माता का मंदिर, पहाड़ पे हमें जाना है अभी, सबसे बड़ा टास्क तो यही है। चुके हैं यहाँ पे, रिक्शा स्टैंड है यहाँ पे, मतलब रिक्शा वाले रोक देते हैं मोस्टली। ऑलमोस्ट 2 या 3 साल के बाद मैं आ रही हूँ यहाँ पे, बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। यहाँ से माता रानी का गेट है, अब वहाँ हमें जाना है, वहाँ से लिफ्ट का भी है सुविधा, आधे घंटे में 15 मिनट में आप लिफ्ट से पहुंच जाओगे। लिफ्ट बंद है तो यहाँ पे चप्पल रखने का सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है मिलेगा कि नहीं। मिलता है यार। मिलता है। तो अभी हो रहा है 10:17, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, अब सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ी बहुत तो सीढ़ी चढ़ ली हम लोग ने जो नाम के लिए है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीढ़ी चढ़ना, बहुत ऊपर जाना है, देखते हैं कब तक पहुंचते और कितना टाइम लगने वाला है। रिक्शे से हम लोग को लगा आधा घंटा ना, घर से रिक्शे से आने यहाँ पे आने तक हम लोग को आधा घंटा लगा, और अभी से पसीने छूट रहे हम लोग के, ऊपर तक जाते जाते मेकअप निकल जाएगा सारा। मास्क अलाउड है यहाँ पे, आधा टाइम तो हमारा वेस्ट हो गया कि चेकिंग हो रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बट अंदर आके पता चला कि कुछ भी नहीं हो रहा है। 1400 सीढ़ी थी तो पता था 10 सीढ़ी है, काउंटिंग में आप लोग नहीं है ना, रजिस्टर्ड में उतना ही है 1400 सीढ़ी। 1400 सीढ़ियाँ है यहाँ पर, यहाँ पे जो मन्नत मांगे रहते हैं वो लोग यहाँ पे ऐसे टीका लगा के जाते हैं, कोई कोई तो दिए क्या कपूर चलाते हैं,
नीचे थी ना, पूरा नीचे से लेकर पूरा ऊपर माता रानी के सामने तक पूरा कपूर जलाते हैं। कोई कोई तो घुटने के बल जाते हैं, जो मन्नत मांगे रहते हैं वो लोग। हम लोग इतना ऊपर आए हैं, हालत अभी से खराब हो चुकी है हमारी। तो कितना हुआ? चलो पीछे लगा है। थैंक यू। चलो यूट्यूब पे आ जाओगे आप भी। पहुंचे हम लोग आधे पे, हालत खराब हो गई भाई। मेहंदी लगवाया 2 रुपए का एक छाप, मतलब ये लोग की तो इसी से कमाई है। अब जाके हम पहुंचे आधे वाले, आधे सीढ़ी पे, आधे मंदिर पे। ये निशानी आधे पे पहुंचने का, ये निशानी यहाँ पे मंदिर बनी हुई है। तो सांस लग गई यार। नींबू पानी, प्यास लग गई। गए थे, इतनी भीड़ थी कि हम लोग यहाँ से कूद कूद के। कभी यार, बहुत पहले की बात है यार, नवरात्रि के दिन में अगर यहाँ पे आओ, हम लोग यहाँ से कूद कूद के। नवरात्रि में देवी माता को घर से मना, हालत खराब हो गई। दर्शन बहुत मुश्किल से मिलता, देखने भी नहीं मिला था, इतना भीड़ था उस टाइम। तो हम लोग आ गए आधे रास्ते और यहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ये मंदिर पूरा पहाड़ पे बना हुआ है, अभी आधे रास्ते और चढ़ना है हमें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ से, डायरेक्ट सीधा रास्ता, अब चढ़ना नहीं है, अब सीधा सीधा रास्ता है। बहुत अलग अलग बना दिया है, 2 लाइन खोल दिया, जाने का अलग कर दिया और ऊपर आने का अलग कर दिया है। लाती पढ़ने पढ़ने वाली थी मुझे। ऊपर आ गया ऑलमोस्ट, अंदर साइड जब बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तब यहाँ पे लाइन लगती है, अभी तो पूरा खाली है। नवरात्रि के दिनों में ये फुल फुल एकदम फुल फुल रहता है, भरा हुआ रहता है। जोर से बोलो, ऊपर आ चुके हैं। अलग ही सिस्टम कर दिया, सब बंद कर दिया है। हम पहुंच चुके मंदिर में। तुला तेरी काय सांगे जाता ते काय नाव घेता ते 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 काय नाव घेता ते क्या मत काम असेल ये तो आपले आपला आपले आपला आपला काम चल रहे हैं ऊपर मंदिर के दर्शन। तो नीचे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एकदम इतना ऊपर हम लोग देख सकते कि कितना ऊपर है हम लोग। चलो रेस्ट करते हैं। आ गए एकदम ऊपर, इतना भीड़ है यहाँ पे भाई। यहाँ पे पैसे चिपकाते हैं लेकिन किसी का चिपकता नहीं है, गिर ही जाता है। ये है जू, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अब बना दिया पूरा। पक्षी है इतने सारे अलग अलग।
यहाँ पे सभी लोग अपनी जो मन्नत मांगे रहते हैं शायद उसकी वजह से बांधते हैं, मन्नत पूरा हो जाए। मतलब बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं नीचे तक। इतने ऊपर है हम लोग। फाइनली कुछ खाने के लिए मिला क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है और धूप से सर में दर्द और सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमें वड़ा पाव मिला है, महाराष्ट्र का, मुंबई का मोस्ट फेवरेट वड़ा पाव। कितनी भूख लगी थी। तो अंकल ने ऐसा बताया कि ऐसा बना के जाने का तो घर बनता है, तो पता नहीं अब हम नहीं बनाएंगे। लाइन से यहाँ पे बांध के रखा हुआ ये रास्ता तो अभी बना है, अभी मतलब कुछ ही सालों पहले। हम चल रहे हैं नीचे, नीचे जाने का टाइम आ चुका है। यहाँ से अलग रास्ता है नीचे जाने का, ये सब मन्नत के शायद बांध के रखा है यहाँ पे। कौन सा वो रहा ट्रेन, इतना छोटा सा दिख रहा है। अब सोच लो हम लोग कितनी ऊपर हैं। अभी बज रहे हैं 12:19, इसका मतलब हम लोग एक घंटा तो ऑलमोस्ट हो गया हमें ऊपर आ गए। 11:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे ना। जो माता रानी के पहाड़ के पीछे का जो पार्ट है वो सब सोने का बना हुआ है, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से। वहाँ पे तो वीडियो अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया है वीडियो लेने का चोरी चोरी, तो थोड़ी बहुत वीडियो मैंने ली है जो मैं डाल दूंगी। कितनी बार आए मतलब हाँ कितनी बार आए हैं, लेकिन इस बार बहुत टाइम के बाद मुझे मतलब मैं तीन साल के बाद आ रही हूँ। वो जब जीवदानी का मतलब होता है कि जीवन देने वाली माता, मतलब जैसे यहाँ के हिसाब से लोग मानते हैं। यहाँ पे पहले पहाड़ हुआ करते थे, पहाड़ पे कैसे औषधियाँ मिलती थी जिससे लोगों की जान बचाई जाती थी, तो इसी वजह से लोग इस पहाड़ को जीवन देने वाली माता, जीवन देने वाली चीज मतलब माता कहने लगे, तब से इसका नाम जीवदानी पड़ा। और तो अभी हम चलते हैं नीचे क्योंकि बात करते करते बहुत टाइम हो चुका है, और उतरने में भी मुझे लगता है उतरने में तो आधा घंटा लगेगा, और चढ़ने में हमें एक घंटा लगा। अब उतरते टाइम हम रुकेंगे नहीं, उतरते टाइम आराम से पैर ऐसा रखते भागे नीचे फटाफट फटाफट से। चढ़ते टाइम की हालत हो गई थी, अब मुझे लगा कि अब मैं गई या तो गई या तो मंदिर के दर्शन ही होंगे या तो ऊपर ही जाऊंगी, इतना मतलब आदत ही बिल्कुल छूट गई, बिल्कुल आदत। तो हम आधा सीढ़ी उतर चुके हैं, आधे रास्ते आ चुके हैं, 10-15 मिनट में हम लोग नीचे आ गए ना, 15 मिनट बिना रुके आए हैं। जय माता की। बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद नीचे पहुंच चुके हैं, 5 मिनट और बस। जय माता की। अभी उतना नीचे जाना है। चेंज स्टाइलिश पोज़, चेंज करो भाई, चेंज करो। हम उतरने वाले हैं यहाँ से, चलो स्टार्ट 1-2। फाइनल डेस्टिनेशन। दर्शन तो हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से, मजा आ गया मतलब दर्शन करके एकदम मन प्रसन्न हो गया। अब लेते हैं शूज यहाँ से, चप्पल लेते हैं यहाँ पे।
अभी फ्री है, 15 रुपया प्लेट, फुल भरपेट खाना, 12 बजे से लेके 3 बजे तक, भगवान जीवदानी देवी संस्थान की तरफ से। पीने के लिए पानी, लेकिन हमने बॉटल फेंक दी। चलते हैं घर, मतलब कहीं और। अब माता रानी के मंदिर कब आना होगा मेरा क्या मालूम। जो भी था आज जैसा था, मज़ा आया है ना, बहुत मज़ा आया। 2 घंटे का सफ़र हमने 4 घंटे में तय किया है, आराम से एकदम मज़ा करते करते सो के गए हम लोग, सो के आए हैं, तो बहुत ही मज़ा आया। माता रानी के दर्शन करके याद रहेगा।